अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिपैटिक पोर्टल वेन। तो हम जो है वो हिपैटिक पोर्टल वेन को देखेंगे, एक वो किस तरह से बन रही है, कैसे टर्मिनेट हो रही है, उसके कुछ रिलेशंस देखेंगे, और फिर जो मेन चीज़ आज जो है वो हम देखेंगे उसकी ट्राइब्यूटरीज कहाँ पे क्या क्या हैं, उनमें कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है और वो ट्राइब्यूटरीज किस किस ऑर्गन को ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पहले मैंने इसका इंट्रो लिखा हुआ है, आप पहले ज़रा ये देख लें कि ये बन किस तरह रही है। तो इट विल बी फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन। स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन दोनों मिलेंगी, किस पॉइंट पे मिल रही होंगी। इन्फीरियर मैंने क्या हुआ कि एंटीरियर पड़ी होंगी और पोस्टीरियर टू द नेक ऑफ द पैंक्रियाज L1 वर्टिब्रा, ये है उसके लेवल, इस लेवल के ऊपर ये दोनों मिलके बना रहे होंगे हिपैटिक पोर्टल वेन। फिर इस वेन ने मतलब ड्रेन किस किस को करना है, तो ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है इट विल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक, पैंक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, मतलब कि जितने भी जो विसराज हैं ना हमारे एब्डोमेन के, उन सबको इसने ड्रेन करना होता है। और इसका अगर देखें कि इसकी लेंथ क्या है, तो वो जी ये 7 to 8 सेंटीमीटर तक रन कर रही होती है और फिर जो है ये टर्मिनेट होती है। ठीक है, और अगर इसमें वो देखें जो उसमें ब्लड आ रहा है उसके को कॉन्स्टिट्यूंट क्या है, तो वो उसमें ऑक्सीजन तो कम होगी लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं वो गट से होकर आ रहा होता है जहाँ से उसने सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करने, वहाँ पर ऑक्सीजन वहाँ पर यूज़ हो गया है और उसने वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व किया, इसलिए उसमें ऑक्सीजन कम होगी और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे और फिर ये टर्मिनेट होगी पोर्टा हिपैटिस। पोर्टा हिपैटिस क्या है, ये हमारे जो है ना लिवर के ऊपर एक डीप फिशर होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए से वो तमाम वेसल्स उसमें एंटर हो रही होती है, तो उस पॉइंट पर आके ये टर्मिनेट हो जाएगी इनटू राइट एंड द लेफ्ट ब्रांचेस, जो के फिर लिवर में एंटर हो जाएंगे और उसको सप्लाई करेंगे। तो अब हम देखते हैं ये बनती कैसे, इसकी ज़रा ये जो मैंने ऊपर का पॉइंट बताया ना, ये फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, इसको ज़रा हम डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास लेट सपोज की आ रही है स्प्लीनिक वेन, ठीक है, यहाँ से ये लेगी साथ में सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, इस तरह ये दोनों मिलके दे विल फॉर्म द हिपैटिक पोर्टल वेन, ये बनेगी कुछ हिपैटिक पोर्टल वेन, इस तरह जाएगी और पोर्टा हिपैटिस के ऊपर जाके तो ये राइट ब्रांच और इस तरह से ये लेफ्ट ब्रांच में दे देगी। ठीक है, तो इसको अब ये मैंने बताऊँ ये किस लेवल के ऊपर था, यहाँ पे क्या क्या पड़ा होता है पैंक्रियाज की, ये सब कुछ पोस्टीरियर होता था, तो यहाँ पे ना इस तरह से पैंक्रियाज पड़ा होगा, ये जो है ना स्प्लीनिक वेन, ये मोस्टली इस पैंक्रियाज के पोस्टीरियर पड़ी हुई होगी। ठीक है, इस तरह पैंक्रियाज, इसके जो पीछे है वो इन्फीरियर वेना के वो होगा, दिस इज पैंक्रियाज एंड दिस वाज द स्प्लीनिक वेन। दिस इज द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, दिस इज द हिपैटिक पोर्टल वेन, ये होगी इसकी राइट ब्रांच हिपैटिक पोर्टल वेन की, और ये होगी इस हिपैटिक पोर्टल वेन की लेफ्ट ब्रांच। ये तुमने इसकी फॉर्मेशन देख लिया, ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी ट्राइब्यूटरीज कहाँ पे हैं, कि ये जो है स्प्लीनिक वेन है या फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है तो या हिपैटिक पोर्टल वेन है, इसमें कौन कौन सी वेन्स दूसरी आके ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पेज भी देखेंगे और इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि वो आपको याद करना है ईजी रहे। तो अब ज़रा मैं इसी को ड्रॉ करता हूँ कि हिपैटिक पोर्टल वेन राइट ब्रांच थी उसकी एक ऊपर से, फिर से लेफ्ट ब्रांच थी। ठीक है, ये हमारे पास थी इस तरह से हिपैटिक पोर्टल वेन, अच्छा इसी इसके अंदर आ रही थी हमारे पास एक स्प्लीनिक वेन आ रही थी इधर से, और एक हमारे पास दूसरी वेन आ रही थी वो क्या थी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये आप सपोज कर लें ये सब कुछ है सुपीरियर, ये क्या है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, दिस वन दिस इज द स्प्लीनिक वेन, दिस इज द हिपैटिक पोर्टल वेन, दिस इज द राइट ब्रांच एंड दिस वॉज द लेफ्ट ब्रांच, ये वही जो पिछली डायग्राम मैंने उसको एक फ्लोचार्ट में ड्रा कर दिया। अब हम देखते हैं इसकी ट्राइब्यूटरीज के ऊपर, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसको स्प्लीनिक वेन को। तो स्प्लीनिक वेन जो है पहले तो स्प्लीन से ब्लड लेके आ रही होगी, ठीक है, यहाँ डायरेक्टली, उसके अलावा इसकी ट्राइब्यूटरीज देखें तो हमारे पास एक इसकी ट्राइब्यूटरी आती है शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है, फिर हमारे पास इसकी एक और ट्राइब्यूटरी आ रही होगी डेट विल बी दी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन,
लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन, ये इस तरह। और तीसरी जो इसमें एक मेन वेन ड्रेन कर रही होगी वो होगी हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये मैंने शो कर दी इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन। तो अगर आप देखें ना कि ये जो मोस्टली लेडीज ना, ये जिस तरह हम पीछे आर्टरीज पढ़ के ना एब्डोमिनल, उसी के हिसाब से उसी रिलेशन में है, लेकिन कहाँ कहीं कहीं चेंजेस है, तो आप लोग उसके हिसाब से भी इसको याद कर सकते हैं, इसी तो आप लोगों के लिए इजी देगा, ठीक है। अब ये है इन्फीरियर मेसेंटेरिक, अब ये इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन इटसेल्फ, इसमें भी कुछ वेन ट्रेन करी थी, वो कौन कौन सी, वो भी हम देखते हैं। एक इसमें आ रही है हमारे पास लेफ्ट कॉलिक वेन, लेफ्ट कॉलिक वेन। एक इसमें हमारे पास आ रही होगी सिग्मोइड वेन, और सबसे नीचे ये जहाँ से आप मतलब ड्रेन स्ट्रेनिंग स्टार्ट करेगी इस तरह, ये स्प्लीन से ये स्टार्ट करेगी सुपीरियर रेक्टल वेन के तौर पे, सुपीरियर रेक्टल वेन। अब ज़रा हम इनको देखते हैं, ये किसको, तो सुपीरियर रेक्टल, जिस तरह सुपीरियर रेक्टल आर्टरी में पड़ी थी कि ये वो ड्रेन करी तो सुपीरियर या प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रेक्टम, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ रेक्टम, तो ये जो है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ रेक्टम को ड्रेन करी होगी। सिग्मोइड वेन जो है ये डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन को ड्रेन करेगी, डिसेंडिंग प्लस सिग्मोइड कोलोन। तो सेम जिस तरह से आर्टरीज की ब्लड सप्लाई है वैसे ही वेन्स की ड्रेनेज है, वही वही चीज़ें हैं। लेफ्ट कॉलिक वेन जो है ये किसको ड्रेन करेगी, ये डिसेंडिंग कोलोन को ड्रेन करेगी, उसके बाद अगर हम आते हैं जी शॉर्ट गैस्ट्रिक के ऊपर, तो शॉर्ट गैस्ट्रिक इट वाज ड्रेनिंग दी फंडस ऑफ द स्टमक, ये फंडस को, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन थी, तो ये जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन थी ना इट वाज ड्रेनिंग दी ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को ड्रेन कर रही थी लेफ्ट गैस्ट्रो, उसके जो है वो लेफ्ट वाले पोर्शन को, जिस तरह आर्टरीज में हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारी क्लियर होगी यहाँ पे स्प्लेनिक वेन। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी वेन जो कि मेन है, देखिए कितनी बड़ी वेन बनाई हुई है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, इसकी ट्राइब्यूटरीज क्या हैं, तो इसकी ट्राइब्यूटरीज हमारे हमारे पास आ जाएगी जी, एक ये आ जाएगी इलियोकॉलिक वेन, इलियोकॉलिक वेन आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें एक और इसकी ट्राइब्यूटरी हमेशा विड्रॉ करते हैं, डेट विल बी द राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन। फिर हमारे पास इस ये ट्राइब्यूटरीज में आ जाती है हमारे पास इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल वेन, ड्यूडिनल वेन। उसके बाद हमारे पास इसकी ड्रेनेज में आ जाती हैं जी जेजनल और इलियल वेन्स, जेजनल प्लस इलियल वेन्स। देन आ जाएगी हमारे पास मिडिल कॉलिक वेन, फिर आ जाएगी जी राइट कॉलिक वेन, और अल्टीमेटली जो है ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन खुद जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किन किन एरियाज को ड्रेन कर रही है। तो इलियोकॉलिक वेन, जिस तरह से हमने इलियोकॉलिक आर्टरी पढ़ी थी, इट विल ड्रेन द सीकम एंड द अपेंडिक्स, सीकम प्लस द अपेंडिक्स, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास रही इन दोनों को ड्रेन करी होगी। ये जो जजनल और इलियल, इनके तो नाम ही बता रहे हैं कि जजनम और इलियम को, जिस तरह हमने उसमें पढ़ी थी इंटेस्टाइनल आर्टरी, तो ये वही यही है, ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स है। तो ये जजनम प्लस इलियम को ट्रेन करी होगी। फिर है जी राइट कॉलिक वेन, तो राइट कॉलिक वेन जो है ये राइट साइड पे जो कॉलोन, मतलब कि जो होती है असेंडिंग कॉलोन, ये उसको ट्रेन करी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, असेंडिंग कॉलोन। तो इससे पहले ना आप लोग ट्राई करें कि आप लोग आर्टरीज की वीडियो देख के आएँ, क्योंकि उसमें मैंने डायग्राम के हिसाब से समझाया हो, तो आपको ना ज़रा ऑर्गन्स क्लियर हो जाएंगे ना सारे पार्ट्स, तो फिर आपके लिए ये बड़ा बड़ा बहुत ईजी याद करें, इस पर कोई डिफिकल्ट नहीं है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे मिडिल कॉलिक। तो मिडिल कॉलिक ये जो है मिड में कौन सी आ रही है, वो हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन आती है। ठीक है, मिडिल कॉलिक आर्टरी में बन पड़ती है, तो ये ट्रांसवर्स कोलोन को ट्रेन करी होती है। फिर इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनम, मतलब कि इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज और ड्यूडेनम, यही समझ आ रही है ना आपको इसकी नीम। तो यही इसकी है कि डिस्टल पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम एंड द हेड ऑफ पेंक्रियाज। फिर राइट गैस्ट्रो अभिप्लॉयिक में देखें, लेफ्ट गैस्ट्रो अभिप्लॉयिक थी ग्रेटर क्रिवेचर के लेफ्ट पोर्शन को, तो राइट गैस्ट्रो अभिप्लॉयिक वेन है ग्रेटर क्रिवेचर के राइट वाले पोर्शन को ट्रेन करी होगी, ग्रेटर क्रिवेचर ऑफ स्टमक। ये हमने देख ली इसकी भी सारी ड्रेनेज, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। अब हम देखते हैं कि जो कुछ ट्राइब्यूटरीज जो कि डायरेक्टली ड्रेन ही हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर कर रही होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक जो वो आती है जी सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल वेन, जो थोड़ा इन्फीरियर थी, तो ये आ गई सुपीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडेनल वेन। उसके अलावा हमारे पास इसमें ड्रेन कर रही होती हैं ये जी राइट गैस्ट्रिक वेन, देन इसमें हमारे पास आ रही होती है एक और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो इनकी अगर ड्रेनिंग की तरफ आए तो सुपीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडेनम वेन, मतलब कि सुपीरियर पोर्शन ऑफ दी पेंक्रियाज एंड दी ड्यूडेनम, सुपीरियर पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज एंड ड्यूडेनम, इसको ये जो है वो ड्रेन करी होगी, और साथ में ना ये बाइल डक्ट को भी ड्रेन करी होगी। ये चीज़ हम थोड़ी सी याद करनी है, ये साथ बाइल डक्ट को ट्रेन करिए। ये जो राइट गैस्ट्रिक वेन है ना, जिस तरह हमें राइट गैस्ट्रिक आर्टरी पड़ी थी कि इट विल बी ड्रेनिंग द राइट पोर्शन ऑफ द लेसर क्रिवेचर, तो ये किसको करिए, लेसर क्रिवेचर के स्टमक जो है, स्टमक का जो लेसर क्रिवेचर उसके राइट पोर्शन को, और लेफ्ट गैस्ट्रिक जो है वो लेसर क्रिवेचर के लेफ्ट वाले पोर्शन को। और ये जो ये दोनों वेन्स है ना, ये आपस में इधर एनास्टोमोस भी कर रही होती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि लेसर क्रिवेचर के ऊपर ये दोनों एनास्टोमोस भी करती हैं। अब हम कुछ ट्राइब्यूटरीज देखें जो कि डायरेक्टली इसकी इन ब्रांचेज में आकर ड्रेन कर रही है। तो अगर हम देखें ना राइट ब्रांच, तो इसके अंदर आके ड्रेन कर रही होती है कि पैराम्ब्लाइकल वेन, जो कि पैराम्ब्लाइकल रीजन को ड्रेन कर रही होगी। और अगर देखें इस लेफ्ट ब्रांच, तो लेफ्ट ब्रांच को ड्रेन कर रही होती है हमारे पास सिस्टिक वेन, जिस तरह हम पीछे पड़ गए सिस्टिक आर्टरी। तो सिस्टिक आर्टरी किसको ट्रेन करी थी, गॉल ब्लैडर को, तो सिस्टिक वेन भी ड्रेन करिएगी हमारे पास गॉल ब्लैडर को। और ये जो है पैराम्ब्लाइकल, ये पैराम्ब्लाइकल रीजन मतलब अम्ब्लाइकस के जो अराउंड वाला रीजन है, उस सब सारे को ट्रेन करी होगी। तो ये देखें, ये हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लिया, और इसमें हमारे पास सारी ट्राइब्यूटरीज क्लियर हो गई हैं। अब आप ये देखें तो जितने भी हमारे पास एब्डोमिनल विसरा है ना, एब्डोमिन के जितने भी ऑर्गन्स है, वो ड्यूडेनम है, वो जेजनम है, इलियम है, या वो ट्रांसवर्स कोलोन है, सेंडिंग डिसेंडिंग सिग्मॉइड कोलोन, या लिवर है, या स्टमक है, या गॉल ब्लैडर, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया, पेंक्रियाज भी क्लियर हो गया। तो अभी आपकी तकरीबन सब की जो वीनस ड्रेनेज है वो इसी एक फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाती है। तो मैं आपको फिर एडवाइस करूंगा कि इसको लेक्चर को करने से पहले आप आर्टरीज का लेक्चर देखें, ताकि उसमें आपको डायग्राम से क्लियर होगा, और फिर ये करना आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि ये भी उसी के रिलेशन पे टोटली। तो होप्स आपको समझ आ चुकी होगी, अगर अभी भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।